तालिबान राबता कमेटी के जराए का कहना है कि तालिबान शूरा से राबतों की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली। हुकूमती कमेटी के जराए के मुताबिक उन्हें मंगल तक तालिबान शूरा से राबता करके आगाह करने की यकीन दहानी कराई गई थी। मुजाकराती अमल में डेडलॉक तालिबान में पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस है। तालिबान के दरमियान जंग बंदी के बाद ही बात आगे चल सकेगी। हुकूमती कमेटी के मुताबिक हुकूमत मुजाकरात की ख्वाहिशमंद है, लेकिन बंदोबस्त तालिबान ने ही करना है। जराए के मुताबिक असल फरीक से राबता न होने की सूरत में तालिबान राबता कमेटी और हुकूमती कमेटी में मुजाकरात का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ मौलाना यूसुफ ने कहा है कि चंद रोज में मुजाकराती अमल में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। जंग बंदी में तौसी के मामले पर भी पेशरफ्त होगी। तालिबान कमेटी के रुकन प्रोफेसर इब्राहिम का कहना था कि हुकूमती कमेटी के राबते के बाद दोनों कमेटियां तालिबान शूरा से मुलाकात करेंगी, जिसमें सीज फायर और कैदियों की रिहाई के हवाले से बातचीत की जाएगी। तालिबान शूरा से मुलाकात के लिए वक्त और जगह का तायुन हुकूमती कमेटी से राबते के बाद किया जाएगा। तालिबान शूरा के रुकन आजम तारिक का कहना है कि तालिबान ग्रुपों की लड़ाई को मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तालिबान ग्रुपों की लड़ाई का मुजाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। तालिबान ग्रुपों के दरमियान गलतफहमी दूर कर दी गई है।